बड़ी लापरवाही देखने को मिली। सरकारी स्कूल के छोटे बच्चों की खतरे में जिंदगी। सरकारी स्कूल का मैदान गंदे पानी में डूबा हुआ है। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं और उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही स्कूल के अंदर से सामने आ रही है। स्कूल में क्लासरूम तक ये पानी घुस रहा है, गंदा पानी। लगातार पेड़ भी गिर रहे हैं स्कूल में, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में सोनीपत के गांव सलीम सर माजरा का ये मामला है। तस्वीरें देखिए आप, गांव सलीम सर माजरा का ये मामला, जहां स्कूल के अंदर गंदा पानी भर चुका है। कुछ पेड़ हैं ऐसे जो बहुत पुराने हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, वो गिर भी रहे हैं। अब देखिए, बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आते हैं, कितनी बड़ी ये लापरवाही है। इतनी भारी मात्रा में पानी का इकट्ठा हो जाना, डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियां जो हैं वो फैल रही हैं, मच्छर पनप रहे हैं। और देखिए क्लासरूम के अंदर की हालत देखिए आप, ब्लैक बोर्ड के बीच में से लेकर दीवार तक में दरार आई हुई है। कभी भी एक क्लासरूम गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इतनी जर्जर दीवारें हो चुकी हैं। अब बच्चों की जान जोखिम में डालकर उन्हें स्कूल भेज रहे हैं मां बाप। ये देखिए, ये तो स्कूल का हाल है। अब स्कूल में कैसे टीचर्स आ रहे हैं, कैसे बच्चे पहुंच रहे हैं पढ़ने के लिए, ये अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। सारे पेड़ पानी भरा हुआ है, ग्राउंड में जहां हम खेलते थे वहां भी भरा हुआ है, और हमें प्रेयर भी करने में दिक्कत हो रही है, और हमें पानी पीने भी में भी दिक्कत हो रही है, और हमें टॉयलेट जाने में भी दिक्कत हो रही है। हालात पानी की वजह से कमरे में दरार आ गई है, प्लस्तर झटके नीचे गिर रहा है और कभी भी गिर सकती है दीवार। छोटे बच्चे नर्सरी के, खतरा काफी है बच्चों को। किस कारण से मैडम ये आया है? पानी भरने से, दीवार के पास में पानी भरा हुआ बहुत।